हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक टी सीरीज कंपनी का सीआरटी टीवी आया है रिपेयरिंग के लिए, और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है कि इसके स्क्रीन पर दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहे हैं, ठीक है। बाएं से दाएं एक मरकरी की तरह लाइन आ रहा है दोस्तों, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। चलिए टीवी स्टार्ट करके आपको प्रॉब्लम दिखा देते हैं, तो टीवी में हम सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों, हम सीरीज बोर्ड से टीवी में सीरीज सप्लाई दी। देखिए पावर इंडिकेटर यहाँ पर जला और दोस्तों टीवी हमारा स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर मरकरी की तरह एक लाइन आया, हॉरिजॉन्टल लाइन। यही दोस्तों इसका प्रॉब्लम है, तो इसी प्रॉब्लम को दोस्तों हम रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल करें, ताकि आपको ऐसे टेक्निकल वीडियो दोस्तों आपको हमेशा देखने के लिए मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम टीवी को बंद करते हैं और टीवी को खोलेंगे और आपको पीछे से खोल के टीवी दिखाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम टीवी को खोल दिए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भरा हुआ है और झोल है, झोल। बहुत दिन के बाद टीवी खुला है दोस्तों। यह टी सीरीज का ओरिजिनल बोर्ड है, इसमें दोस्तों चाइना बोर्ड नहीं है, ठीक है। आप दोस्तों देख लीजिए यह झोल मकड़ी कैसे देखिए दोस्तों, झोल और नीचे धूल मिट्टी भरा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको साफ करेंगे। यह टीवी ढेर दिन के बाद खुला है, जिसके कारण दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको साफ कर लेते हैं अच्छी तरह, उसके बाद दोस्तों आपको हम फिर दिखाएंगे और बताएंगे, ठीक है, इसका प्रॉब्लम के विषय में। देखिए दोस्तों, हम इस किट को अच्छी तरह साफ सुथरा कर दिए हैं, साला झोल मकड़ी इसके ऊपर से हटा दिए हैं, देख लिए, सब झाड़ पोछ दिए हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस किट के विषय में समझते हैं। तो ये जो सर्किट है दोस्तों, ये इसका जंगल आईसी है, ठीक है, सिस्टम आईसी। तो इसका नंबर है दोस्तों LA76818, ठीक है। ये 54 पिन का दोस्तों आईसी है, और एक आईसी दोस्तों यहाँ है, ये साउंड प्रोसेसर आईसी है। साउंड में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा तो आपको यहीं से दोस्तों चेकिंग करना होगा। ये भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे दोस्तों आपको ये ट्यूनर के ट्यूनर से जो साउंड आता है इसके लिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका नंबर है दोस्तों LV1118N, यही दोस्तों इसका नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर जो आईसी देख रहे हैं, ये दोस्तों हमारा रिमोट कंट्रोलर आईसी है, जो सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और इसका नंबर दोस्तों बताते हैं आपको, और एक मेमोरी आईसी यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। ये छोटा वाला मेमोरी आईसी यहाँ पर लगा हुआ है, और ये दोस्तों भटकल आईसी है, हमारा भटकल सेक्शन में आईसी लगा हुआ है। इसका नंबर है LA78040। तो इस आईसी का नंबर बताना है आपको दोस्तों, तो हम देखते हैं अच्छी तरह इसका आईसी का नंबर। तो उसका नंबर है दोस्तों LC86532B, ठीक है, यही दोस्तों इसका नंबर है। तो यह दोस्तों हमारा सिस्टम कंट्रोलर आईसी है, रिमोट कंट्रोलर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आईसी इसको कहते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों साउंड आईसी है, साउंड आउटपुट सेक्शन है दोस्तों ये वाला, यहाँ से दोस्तों स्पीकर का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम था हमारा भटकल सेक्शन का, ठीक है, जो स्क्रीन पर बाएं दाएं लाइन आ रहा था, वह दोस्तों प्रॉब्लम था हमारा भटकल सेक्शन का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तभी आता है जब दोस्तों हमारा भटकल सेक्शन फेल रहता है। वर्टिकल सेक्शन काम नहीं करने के कारण दोस्तों टीवी के स्क्रीन पर बाएं से दाएं मरकरी के तरह एच लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन कहिए दोस्तों आता है, ठीक है। और ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये अगर यहाँ से दोस्तों प्रॉब्लम आएगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन से, तो टीवी की स्क्रीन पर दोस्तों वर्टिकली ऊपर से नीचे आपको एक पतला मरकरी की तरह लाइन आता है। तो हमारा दोस्तों बाएं से दाएं लाइन आ रहा है, तो भटकल सेक्शन हमारा खराब बता रहा है। तो भटकल सेक्शन में भी दो पार्ट होते हैं, एक भटकल आउटपुट सेक्शन और एक भटकल ऑसिलेटर सेक्शन। तो ऑसिलेटर सेक्शन दोस्तों आईसी से कंट्रोल होता है, यह सिस्टम आईसी से। और आउटपुट सेक्शन दोस्तों, इसमें तो आईसी आप जानिए रहे कि लगा हुआ है LA78040, ये आउटपुट सेक्शन है दोस्तों। तो भटकल सेक्शन और ऑसिलेटर सेक्शन, अब दोस्तों हमको पता ये करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है तो भटकल सेक्शन आउटपुट सेक्शन से है या दोस्तों भटकल ऑसिलेटर सेक्शन से है, ये अब पता करना है।
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे यह कि टीवी में सप्लाई देंगे और दोस्तों इसका आईसी का वोल्टेज नापेंगे कि वोल्टेज सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए नाप के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम किट को उलट दिए हैं और भटकल आईसी दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन है, भटकल आउटपुट सेक्शन आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा सिस्टम आईसी है, यह हमारा माइक्रो प्रोसेसर आईसी है जो रिमोट को कंट्रोल करता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम वोल्टेज नाप लेते हैं भटकल सेक्शन का। तो चलिए मीटर को हम डीसी 200 के रेंज में सेट कर दिए हैं, टीवी में सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों हम टीवी में सप्लाई दे दिए हैं, ठीक है। और यह भटकल सेक्शन का जो सप्लाई है वह दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन से आउट होता है, पॉजिटिव सप्लाई। और नेगेटिव सप्लाई दोस्तों इसमें डायरेक्ट रहता है। किसी किसी सर्किट में दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सप्लाई आपको ESTA से ही दोस्तों आउट होता है, तो इसमें दोस्तों केवल पॉजिटिव सप्लाई है। तो ये एक नंबर, ये दो नंबर पिन पर दोस्तों हमारा सप्लाई आएगा। ये देखिए दो नंबर पिन पर दोस्तों सप्लाई हमारा ओके है। और ये दोस्तों एक दो तीन, ये चार नंबर पिन जो देख रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों ग्राउंड होता है, अर्थ, तो इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं दिखाएगा। ये दोस्तों हमारा छः नंबर पिन है, तो छः नंबर पिन पे भी वोल्टेज आएगा दोस्तों, ये वोल्टेज सही है। अब दोस्तों हमको एक नंबर पिन पे वोल्टेज चेक करना है, तो एक नंबर पे दोस्तों 1.2 वोल्ट, यहाँ तकरीबन 3 वोल्ट आना चाहिए था, ये वोल्टेज दोस्तों हमारा कम है। और उसके बाद दोस्तों 7 नंबर पिन पर वोल्टेज देखते हैं, तो 7 नंबर पिन पर दोस्तों वोल्टेज हमारा हाईले नहीं है, माइनस में है दोस्तों, यही दोस्तों गड़बड़ है। और ये हमारा देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पिन पर वोल्टेज दोस्तों नापते हैं, तो 5 नंबर पिन पे दोस्तों 16.5 वोल्ट वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ दोस्तों 12-13 वोल्ट आना चाहिए था, ये दोस्तों वोल्टेज गड़बड़ है। एक नंबर पिन पे देखिए वोल्टेज जितना आ रहा है उतना ही दोस्तों 7 नंबर पिन पे वोल्टेज आना चाहिए था, लेकिन वोल्टेज यहाँ 7 नंबर पिन पे नहीं है। और एक नंबर पिन पे कम से कम 3 वोल्ट रहना चाहिए था, ये दोस्तों वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट से भी दोस्तों कम है, ठीक है। तो गड़बड़ हमारा यही है, ठीक है। तो या तो आईसी गड़बड़ है या दोस्तों हमारा भटकल ऑसिलेटर सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो अब दोस्तों हम चेक करेंगे कि भटकल ऑसिलेटर सेक्शन में प्रॉब्लम है कि हमारा आईसी खराब है। तो आईसी को चेक करने के लिए दोस्तों एक शॉर्टकट उपाय है, आपको बताते हैं। देखिए आईसी को चेक करने के लिए करना यह है कि इसमें दोस्तों उंगली को थोड़ा सा पानी से भींगा लीजिए, या दोस्तों अपना लार इसमें लगा लीजिए, या थूक जो कहते हैं दोस्तों थोड़ा सा लगाइए, और टीवी को स्टार्ट कर दीजिए। और टीवी को चालू करने के बाद दोस्तों इस लार को, उंगली जो भींगा हुआ है इसको दोस्तों इस आईसी पर ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। इस पर दोस्तों संपर्क करने से अगर टीवी की स्क्रीन पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है वह दोस्तों जंप करता है ऊपर से नीचे की ओर, तो दोस्तों हमें यह समझना चाहिए कि हमारा आईसी बिल्कुल सही है, हमारा आईसी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा भटकल आउटपुट सेक्शन बिल्कुल सही है, हमारा जो प्रॉब्लम निकल के आएगा वह दोस्तों भटकल ऑसिलेटर सेक्शन में प्रॉब्लम निकल के आएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक स्थिर से देखिए, तभी आप दोस्तों संपूर्ण रूप से समझिएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप कर कर के देखिएगा भगा भगा के, तो दोस्तों आप कुछ भी समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम आपसे सादर प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को स्थिर से ध्यान से देखिए, तब दोस्तों आप अच्छे ढंग से समझिएगा और किसी प्रकार को से दोस्तों आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो तरीका बताएं, अब दोस्तों आपको हम चेक करके भी दिखाते हैं। चलिए हम भी दोस्तों चेक करेंगे वैसे ही, और आपको दोस्तों दिखाएंगे। तो टीवी को हम कर लेते हैं स्टार्ट। और दोस्तों सप्लाई देकर छूने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आप जब सप्लाई देकर इसमें टच कीजिएगा तो दोस्तों आप जब बैठें या खड़ा हों तो लकड़ी पर खड़ा हुई है, पटरा सूखा हुआ पटरा पर, या दोस्तों ऊपर में आप किसी लकड़ी के बेड पे बैठ जाइए जिसको दोस्तों धरती से कंसल्ट ना हो, पृथ्वी से कंसल्ट ना हो, ठीक है। और वैसे बैठिएगा और तब जाकर दोस्तों छूइएगा तो दोस्तों करंट का झटका नहीं लगेगा, अन्यथा दोस्तों आपका ज़मीन पैर पर रहेगा और सप्लाई देकर जब इसमें टच कीजिएगा तो दोस्तों आपको करंट का झटका लग जाएगा। तो हम
हम भी दोस्तों वैसे ही बैठे हुए हैं, आपको दिखा भी देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पैर ये लकड़ी पे है ऊपर में टेबल पे, हम दोस्तों कुर्सी पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं? हमको ज़मीन से कोई भी कंसल्ट नहीं है, ठीक है? वैसे ही दोस्तों आप बैठिए, ठीक है, देख रहे हैं? और दोस्तों टीवी में हम सप्लाई दे दिए हैं, टीवी भी दोस्तों हमारा स्टार्ट है, देख लीजिए आप स्क्रीन, ठीक है, देख रहे हैं? अब दोस्तों हमको ये यहाँ पर लार लगाते हैं इस उंगली में और दिखाते हैं आपको। देखिए हम इसमें लार लगा लिए, अब इसको दोस्तों ऐसे टच करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों टच करने से हमारा जो है पिक्चर वो हॉरिजॉन्टल लाइन वह दोस्तों जंप कर रहा है, ठीक है? यानी दोस्तों हमारा वर्टिकल आउटपुट सेक्शन बिल्कुल सही है। आपको दिखाते हैं तो आप स्क्रीन देखिए, हम नीचे से दोस्तों टच करेंगे, ठीक है? यह हम स्क्रीन पर रख देते हैं, आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए देखिए जंप कर रहे हैं, ठीक है? हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए स्क्रीन पूरी तरह जंप कर रहा है, ठीक है, समझ गए? तो ये आपको शॉर्टकट चेक करके दिखा दिए हैं कि कैसे हम चेक करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा वर्टिकल आउटपुट सेक्शन सही है। अब दोस्तों हमको चेक करना है वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन। तो वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन दोस्तों सिस्टम आईसी से कंट्रोल होता है यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों वर्टिकल ऑसिलेटर सिग्नल निकलता है इस आईसी को चालू करने के लिए, ठीक है? तो ये वह दोस्तों सिग्नल एक नंबर पे जाता है, तो यहाँ पर वोल्टेज आएंगे दोस्तों, ठीक है? तो एक नंबर पे जाएगा, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा है और ये सप्लाई यहाँ आया है और यहाँ के बाद दोस्तों ये यहाँ से यहाँ ऐसे कनेक्टेड हुआ है और यही दोस्तों ऐसे होते हुए और ये देखिए यहाँ से यहाँ और ऐसे घूमते हुए ये आईसी से कनेक्टेड है, ठीक है? आपको दोस्तों ध्यान से दिखा देते हैं, चलिए टीवी को बंद करते हैं पहले और मीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ दोस्तों ये दोनों पॉइंट पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है छोटा वाला और ये दोस्तों रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है? तो हम दोस्तों यहाँ से चेक करेंगे, ये देखिए ऐसे घूम कर और ये जैक लगा के यहाँ कनेक्टेड है और ये दोस्तों ऐसे होते हुए देखिए और ये हमारा यहाँ पर पहुँच रहा है और ये दोस्तों यहाँ जैक है और ये दोस्तों आईसी से कनेक्टेड है, ठीक है? देख लिए। अब दोस्तों आपको प्रिंट चेक करके दिखा देते हैं, चलिए दोस्तों प्रिंट चेक करते हैं। देखिए प्रिंट सही रहेगा तो ये दोनों पिन आपस में जब टच होगा तो मीटर में दोस्तों हरकत होगा, जीरो जीरो होगा। तो हम एक प्रोड को यहाँ रखते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी ठीक है। अब दोस्तों यही हम चीज़ यहाँ लाते हैं, तो ये देखिए यहाँ भी ठीक दिखा रहा है। अब यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ भी ठीक दिखा रहा है और ये दोस्तों हमारा आईसी से कनेक्टेड है यहाँ, देखिए ठीक है, यहाँ तक दोस्तों क्लियर देख लिए। तो अब आईसी पर इस पिन पर दोस्तों हम वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है। तकरीबन वहाँ पर दोस्तों 2 से 2.5 वोल्ट के करीब हमको वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है? चलिए अब टीवी को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों हम टीवी में सप्लाई दे दिए और देने के बाद दोस्तों ये जो आईसी का पिन है यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज देखेंगे कि कितना वोल्ट हमारा बन रहा है, ठीक है? तो ये वाला पिन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों 0.25 वोल्ट यानी दोस्तों एक चौथाई, ये देखिए हमारा 1/4 वोल्टेज दिखा रहा है। और ये आईसी के कितने नंबर पिन से आउट होता है ये भी दोस्तों आपको बता देते हैं। तो ये आईसी के 23 नंबर पिन से वर्टिकल सिग्नल आउट किया है, वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन। अब दोस्तों हम इस आईसी का टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे कि आखिर वोल्टेज क्यों नहीं आउट हो रहा है। इसमें दोस्तों 3-4 पिन होता है सप्लाई का, एक होता है 8 नंबर, आईसी का 8 नंबर, दूसरा 18 नंबर, तीसरा 31 नंबर और चौथा दोस्तों 43 नंबर पिन पे 5 वोल्ट सप्लाई हमको मिलना चाहिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हमारा टीवी स्टार्ट है, हम 8 नंबर पिन पे वोल्टेज देख लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से गिनते हैं, देखिए 8 नंबर पिन पे, तो ये हमारा 1 नंबर है, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 ये 8 नंबर पिन है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस में वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ पर तकरीबन हमको 5 वोल्ट दिखाना चाहिए था, जो 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 दोस्तों वोल्टेज हमारा नहीं है। अब 18 नंबर पिन पर दोस्तों वोल्टेज देखते हैं, तो ये दोस्तों हम 8 नंबर पर पहुँचे थे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 नंबर पिन पे, तो 18 नंबर पिन पर दोस्तों हमारा 5 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज है। ठीक है, ये दो हो गया दोस्तों। अब हमको चलना है 31 नंबर पिन, तो ये दोस्तों हमारा 27 इधर है, ये 28, 29, 30, 31 तो 31 नंबर पिन दोस्तों यहाँ है, यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए, जो दोस्तों वोल्टेज हमारा नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हमको 43 नंबर पिन पर पहुँचना है, तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 यही है दोस्तों 43। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ भी दोस्तों हमको 5 वोल्ट मिलना चाहिए था, जो दोस्तों वोल्टेज नहीं है। तो जो ये 8 नंबर पिन पर जो दोस्तों वोल्टेज आ रहे हैं, इसी के 8 नंबर पिन पर ये दोस्तों वोल्टेज आता है हमारा सप्लाई से और सप्लाई सेक्शन से, और वह भी दोस्तों 7805 जो मोस्फेट ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है वहाँ से दोस्तों कन्वर्ट होके आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 7805 कहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 7805 मोस्फेट ट्रांजिस्टर है, तो इस पर पहले सप्लाई चेक करेंगे। तो ये हमारा पिन है दोस्तों ये वाला, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये पिन है, तो इस पर दोस्तों सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पर एक पिन पे हमको 10-11 वोल्ट आना चाहिए, तब दोस्तों 5 वोल्ट आउट करेगा। चलिए सप्लाई देते हैं, तो टीवी में दोस्तों हम सप्लाई दे दिए। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं इसके इस पिन पे, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी वोल्टेज इस पिन पर नहीं है। फिर दूसरा पिन चेक करते हैं, जो बीच वाला अर्थ होता है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 0-0 दिखा रहा है, कोई भी वोल्टेज नहीं है, और इससे दोस्तों आउटपुट है, और यही दोस्तों कनेक्टेड है 8 नंबर पिन से। ये देखिए रेजिस्टेंस लगा के यहाँ से यहाँ दोस्तों कनेक्ट किया है, तो यहाँ देखिए दोस्तों 5 वोल्ट ये आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट जब आउट नहीं कर रहा है, तो इस पर दोस्तों जो 7805 मोस्फेट ट्रांजिस्टर है, इस पर सप्लाई नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, इस पर जो वोल्टेज आया है दोस्तों ये 7805 पर, वह रेजिस्टेंस से वोल्टेज आया है। चलिए देखते हैं, ये दोस्तों वोल्टेज हमारा, ये देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है 18 ओम्स 2 वाट का रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस के ये दोस्तों यहाँ और दूसरा सिरा दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, तो देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम टीवी में सप्लाई दे रहे हैं फिर से। तो दोस्तों हम टीवी में सप्लाई दे दिए हैं, यहाँ पर तो आपको पहले दिखा चुका है कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वोल्टेज है 10 वोल्ट के करीब वोल्टेज है। ठीक है, तो यही दोस्तों वोल्टेज यहाँ आता है, यानी लगता है कि रेजिस्टेंस खराब हो गया है। चलिए रेजिस्टेंस को नाप लेते हैं, तो मीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करते हैं। ये दोस्तों 18 ओम्स का रेजिस्टेंस था, तो हम कंटिन्यूटी मोड में सेट करिए हैं मीटर को, मीटर कंटिन्यूटी मोड में बताना चाहिए क्योंकि 18 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो देखिए दोस्तों हमारा कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, यानी दोस्तों यह रेजिस्टेंस हमारा खराब हो चुका है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस खराब है, तो दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो दोस्तों सेम रेजिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये देखिए 15 ओम्स 5 वाट का रेजिस्टेंस है, या दोस्तों ये हमारे पास रेजिस्टेंस है ये 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है 2 वाट का। तो दोस्तों ये दोनों में से कोई भी रेजिस्टेंस लग जाएगा और दोस्तों किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम 5 वाट वाला ही दोस्तों रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये दोस्तों केवल 5 वाट का है और वो रेजिस्टेंस दोस्तों 2 वाट का था, और इसमें लगा हुआ भी है दोस्तों 2 वाट का रेजिस्टेंस। तो हम 5 वाट पहले यूज कर लेते हैं, कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि यह सर्किट चालू होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आप भी दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस रेजिस्टेंस को दोस्तों हम जोड़ते हैं,
सोल्डरिंग कर देते हैं, देख लेते हैं कि वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है। तो एक प्रोड को दोस्तों हम यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे, ठीक है, और दूसरा दोस्तों हम यहाँ करेंगे जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस जिस पॉइंट पर लगा हुआ था, देखिए लगा दिए। अब दोस्तों हम टीवी में सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सही होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए हम टीवी में सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों हम टीवी में सप्लाई दे चुके हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सही होता है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गया है, आप स्क्रीन देख लीजिए एक बार। ये देखिए स्क्रीन, ये टी सीरीज लिखा हुआ आ गया है फुल स्क्रीन, दोस्तों पिक्चर भी हो गया है। तो आप वोल्टेज दोस्तों नाप के आपको दिखाते हैं, सारा वोल्टेज दोस्तों ओके हो गया होगा। जो ये 8 नंबर पिन पर वोल्टेज नहीं आ रहा था, ये देखिए दोस्तों वोल्टेज अब 8 नंबर पिन पे आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों हम मीटर को सेट कर दिए हैं 20 के रेंज में, ठीक है। अब दोस्तों 8 नंबर पिन पे वोल्टेज देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा वोल्टेज यहाँ पर तकरीबन 5 वोल्ट बन चुका है, ठीक है। अब दोस्तों 31 नंबर पिन पर हमको वोल्टेज देखना था, ये है 28, 29, 30, 31, यहाँ पर भी देखती है कि दोस्तों वोल्टेज आ गया है, ठीक है। और दोस्तों हमारा 43 नंबर पिन पे, ये भी पर पीट दोस्तों वोल्टेज ओके हो गया है, देख रहे हैं 5 वोल्ट दोस्तों बन चुका है। अब दोस्तों हम को चेक करना है आईसी पर, जो पहले 2 वोल्ट से कम आ रहा था ये आईसी के 1 नंबर पिन पे, अब दोस्तों देखिए 3.16 वोल्ट हो गया है। और ये दोस्तों आईसी के 7 नंबर पिन पे वोल्टेज हमारा 0 बता रहा था माइनस में, अब दोस्तों देखिए 3.17 वोल्ट बन चुका है। जितना 7 नंबर पर है उतना ही दोस्तों 1 नंबर पर वोल्टेज होगा, देखिए, ठीक है। और ये दोस्तों भटकल क्वाइल के लिए आउट किया था, जिस पर दोस्तों हमको 16 वोल्ट के करीब दिखा रहा था, इस पर वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13.5 वोल्ट हो गया है, जो पहले 16 वोल्ट से ऊपर आ रहा था 17 वोल्ट के करीब। अब दोस्तों वोल्टेज हमारा बिल्कुल, ये आईसी सही हो गया है और स्क्रीन भी दोस्तों पूरी तरह हमारा सही हो गया। तो हमारा प्रॉब्लम दोस्तों केवल इस रेजिस्टेंस में था, रेजिस्टेंस कट गया था जिसके कारण दोस्तों आईसी को सप्लाई नहीं मिल रहा था और सिग्नल आउट नहीं हो रहा था। तो हमारा प्रॉब्लम निकल के आया वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको नए वीडियो का मैसेज हमेशा मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।